अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज के व्लॉग का आगाज़ किया है खूबसूरत से वाटरमेलन के साथ। मुझे पर्सनली वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जैसे कि आजकल सीज़न में भी है समर में, तो दिल करता है कि सुबह को जो है वो तरबूज जो है वो खा लें, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है मैं जो है नाश्ते से पहले तरबूज काट लेती हूँ, फिर इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखती हूँ, तो नाश्ते से पहले इसको एंजॉय करते हैं। और अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में एग ऑमलेट है मशरूम्स और थोड़ी सी और वेजिटेबल्स ऐड करके, और ये मशरूम वेजिटेबल रैप बना रही थी मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए। उन हस्बैंड को बना के दे चुकी हूँ, और ये मेरा रैप है। और तो रोज़ ही फ्राई एग हो या बॉइल्ड, और रूटीन से हटके ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है और अच्छा भी लगता है। और जो वेजिटेबल ऑमलेट है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको फिर इस तरह से रैप के साथ मैंने फोल्ड कर दिया। अब इसे सेंटर में से कट करूँगी, और थोड़ी सी जो भी आपकी फेवरेट सॉस हो आप उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी केचप और आई थिंक चिली गार्लिक सॉस ली थी, तो ये मेरा नाश्ता जो है वो बन गया है। और अभी मैं ये इंजॉय करूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे बनाना है खाना। और लंच में मैंने बनाए हैं ये यखनी पुलाव, और इसमें मैंने मटर और आलू भी ऐड किए हैं क्योंकि मेरी बेबी जो है वो शौक़ से खाती हैं पीज़ और पोटैटो, तो फिर इस तरह से मैंने उसके लिए ये निकाल लिए क्योंकि हमें बाहर जाना था, और इसीलिए मैंने जो है वो सुबह यखनी बना ली और उसके बाद ये वाले राइस बना लिए ताकि वो कुछ खा लें और उसके बाद फिर उन्हें भूख ना लगे, क्योंकि फिर वो बाहर जाके सिर्फ फ्राइज इस तरह की कोई चीज़ खा सकती हैं, तो इसलिए फिर मैंने जो है वो सुबह ही यखनी बना ली थी और उसके बाद ये राइस बना लिए थे। और बेबी को खाना खिलाने के बाद मैंने भी थोड़ा खाना खा लिया था क्योंकि हम लोग शाम को ही गए थे, तो इसलिए ये दोपहर का हमारा लंच था। तो कहाँ जा रहे हैं? मॉल जा रहे हैं सिल्विया पार्क, और क्योंकि वहाँ पर जो है वो कुछ शॉपिंग करनी थी। तो आज वेदर भी अच्छा था, कल काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और आज जो क्लाउडी वेदर था, तो फिर हम इसलिए निकले थे कि चलें वेदर भी अच्छा है तो चलते हैं। और अभी आ चुके हैं मॉल, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था। अभी ये तो एंट्रेंस है, लेकिन जैसे ही हम मेन मॉल में एंटर हुए तो काफ़ी ज़्यादा रश था, और जिस शॉप पर हमें शॉपिंग करनी थी वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था। तो पहले हम यहाँ पर आए थे खटमंडू, और यहाँ से हस्बैंड ने अपने लिए कुछ देखना था
और उसके बाद हम जा रहे हैं जो मेरी बेटी हैं उनकी शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ शर्ट्स, तो अच्छी थी फुल बाजू के साथ, और उनके जो नेक थे वो भी नाइस बने हुए थे। लेकिन जैसा कि काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हम अपने बेबी के कपड़े लेने आए थे, तो फिर इसलिए हम जो है वो सबसे पहले उसी शॉप पर गए और वहाँ पर जो है वो उनकी शॉपिंग की। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम H&M, और ये है इसकी जो है फ्रॉक, एक मैंने ये ली थी और ये काफ़ी अच्छी थी। और इसके अलावा मैंने और भी देखा था, लेकिन ये जो है विंटर में भी पहन लेंगी, और ये भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये फिर दोनों एक जैसे सेम ही लग रहे थे, तो फिर इसमें से मैंने वो सिलेक्ट कर लिया था। और इसके अलावा काफ़ी अच्छी सेल थी, समर के कपड़े तो बहुत ही मुझे रिजनेबल प्राइस में लगे, और ये भी नाइस प्रिंट था, मुझे येलो कलर वैसे भी बहुत पसंद है, तो लेकिन मैं अपनी बेटी के ऑलरेडी इतने ज़्यादा येलो ले चुकी हूँ, मैंने फिर ये नहीं लिया। अपनी बेबी की शॉपिंग के बाद हम यहाँ पर आए थे कॉफ़ी पीने, क्योंकि रात हो चुकी थी और 9 बजे ये मॉल भी बंद हो जाता है, और हम खाना खाने से पहले मॉल में कॉफ़ी पी थी, और उसके बाद खाना खाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये, वहाँ पर ये है निहारी, और हस्बैंड ने अपने लिए निहारी मंगवाई थी, और मैंने अपने लिए ये चिकन कढ़ाई है, और साथ में कबाब मसाला था, तो उन्होंने वो खाई और मैंने अपने लिए ये मंगवाया था। तो इनकी चिकन जो कढ़ाई है वो काफ़ी मज़े की होती है, और लेकिन इतनी भूख भी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो वो जो है वो राइस खाए हुए थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जितनी भूख थी वो मैंने खा ली। और इनका सैलड भी काफ़ी मज़े का होता है, और इसकी ड्रेसिंग बहुत नाइस थी, तो काफ़ी अच्छा खाना था। और खाना खाने के बाद काफ़ी टाइम हो चुका था, और फिर हम चले गए थे घर वापस। तो ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, और रात आजकल काफ़ी लेट ही होती है, तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर, और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।